हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ बाबरिया का फेस स्क्रब। मैं इसके काफ़ी प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं इसका फेस स्क्रब यूज़ करने वाली हूँ। तो देखती हूँ कि इसका कैसे रिजल्ट आता है। ये लाइक 100% वेगन है और ये प्लांट बेस्ड पे है। तो इसका मैंने काफ़ी इंग्रेडिएंट भी, अगर मैंने इसका पढ़ा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिव्यू है इसका इंग्रेडिएंट का। और मैं ऑलरेडी पहले भी स्किन केयर पे ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, तो स्किन प्रोडक्ट और का मुझे लाइक कुछ हद तक अच्छा खासा नॉलेज है। तो मैं कुछ भी ख़रीदने से पहले स्किन प्रोडक्ट पे उसको देख लेती हूँ कि उसका कौन सा इंग्रेडिएंट है, क्या है। तो आज मैं यूज़ करके देखती हूँ। लेट्स ट्राई। इसका मैं ऑलमोस्ट 10 मिनट तक रखूँगी फेस पे, तब जाके मैं इसको स्क्रब करने वाली हूँ। देखते इसका रिजल्ट कैसा आता है। कभी भी अगर आप फेस स्क्रब कर रहे हैं तो अपने फेस जो भी आपका स्क्रब अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको एटलीस्ट 10-10 मिनट तक आप अपने फेस पे रखिए। उसके बाद आप अपने लाइक फिंगर टिप से उसको फेस स्क्रब कर सकते हैं। तो इसलिए मैं भी इसको रखने वाली हूँ ऑलमोस्ट 10 मिनट। तो उसके बाद 10 मिनट के बाद मैं अपना फेस स्क्रब करके देखती हूँ कि इसका कैसा रिज़ल्ट आता है। अब मैंने नहा लिया है और मैं फेस स्क्रब भी कर लिया है। अब फेस स्क्रब के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मास्क लगाना। तो मैं, ये है किल्स का मास्क, डीप पोर क्लिनजिंग मास्क। मैं इसको ऑलमोस्ट 4 सालों से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरा स्किन थोड़ा ऑयली है, तो फेस स्क्रब करने के बाद हमेशा मास्क यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज पोर्स आपके ओपन रहेंगे तो उसमें और डर्ट घुसेगा और इससे आपको और पिंपल्स और एक्ने हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मास्क। अब लगा लिया मैंने मास्क, तो इसको मैं 15-20 मिनट रखूँगी अभी ड्राई करने के लिए। उसके बाद मैं, वंस इन अ वीक तो हर किसी को स्क्रब करना चाहिए और फेस मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि अभी पड़ रही है विंटर, तो ऑब्वियसली स्किन इतना ड्राई हो जाता है तो आपको फेस स्क्रब करना ही चाहिए हर किसी को। तो आज मुझे मिला काफ़ी दिनों बाद टाइम, तो आज मैंने अपना फेस स्क्रब और फेस मास्क यूज़ कर लिया है। Thank you.